स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं पॉपकॉर्न की रेसिपी लेकर आई हूँ। पॉपकॉर्न बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम 5 मिनट में प्रेशर कुकर में आपको बना के दिखाएंगे। इस रेसिपी को बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं। कभी भी आप घर में फैमिली के साथ टीवी पे पिक्चर देख रहे हैं, क्रिकेट देख रहे हैं, तो 5 मिनट में पॉपकॉर्न तैयार करके थिएटर का आनंद ले सकते हैं। तो इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो है 1 कटोरी मक्का, इसे पॉपकॉर्न बनाने वाला मक्का बोलते हैं। राई का तेल हमने 2 बड़ा चम्मच ले लिया है। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक हम स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। तो चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हम एक प्रेशर कुकर रख के गैस को ऑन कर लेंगे। कुकर को हम गर्म होने देंगे। प्रेशर कुकर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल डाल देंगे। प्रेशर कुकर में पॉपकॉर्न बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए तेल को हम गर्म होने देते हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मक्का को डाल देंगे। मक्का को हम अच्छे से गर्म होने तक तेल में भूनेंगे। तो कंटिन्यू हम चलाते हुए मक्का को गर्म करेंगे। आप देख सकते हैं मक्का गर्म हो चुका है, अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच लाल मिर्च डाल रहे हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, बच्चों के लिए है तो थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। मक्के के साथ हम मसाला को कुछ सेकंड के लिए अच्छे से भूनेंगे। मिर्च और हल्दी से कलर भी अच्छा आता है और पॉपकॉर्न टेस्टी भी लगता है। मक्का अच्छे से फूल गया है, आप देख सकते हैं एक एक मक्का पॉपकॉर्न बनने लगा है। तो हम अब क्या करेंगे, इसका कवर लगाएंगे। ढक्कन का रबड़ और घीसी दोनों निकाल लिया है, अब हम इसे अच्छे से लगा देंगे। तो आप सुन सकते हैं प्रेशर कुकर से पॉपकॉर्न फूटने की आवाज आने लगी है। इसे हम तेज फ्लेम पे तब तक भूनेंगे जब तक इससे आवाज आता रहे। आप पॉपकॉर्न फूटने की आवाज सुन सकते हैं कुकर के अंदर, कैसे पॉपकॉर्न तैयार हो रहा है फील कर सकते हैं। जब आवाज बंद हो जाएगा फिर हम गैस को ऑफ कर लेंगे। कुकर से आवाज आना बंद हो गया है, हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब हम आपको ढक्कन खोल के दिखा रहे हैं, तो हम ढक्कन को खोल देंगे। आप देख सकते हैं ये मक्का एकदम कुकर में भर गया है, यानी कि हमारा ये 2.5 लीटर वाला कुकर है उसमें मक्का फुल हो गया है। तो आपने देख लिया पॉपकॉर्न बनाना कितना आसान है। पॉपकॉर्न को हमने बॉल में ट्रांसफर कर लिया है, आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है और खाने में तो ये स्वादिष्ट होता ही है। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना मत भूलिए। धन्यवाद।